अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया था। अभी हम देख रहे हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या बताया गया है? तो इवोल्यूशन में ये बताया गया है, आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ नहीं थी। तो जो पहला सेल बना है वो उसी टाइम के आसपास बना होगा, और ये जो पहला सेल बना है वो ओशन में बना है। ओशन में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जुड़ने से पहला सेल बना है, और ओशन है तो ओशन में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सेल्स बने होंगे, और उन सब का सेल में ये भी हो सकता है कि हर सेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है वो सेम भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेल्स बने होंगे और उनमें किसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, जिससे अलग अलग टाइप के सेल्स भी बने होंगे जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स पाए जाएंगे। और उसी सेल से फिर आगे चल के कुछ ऑर्गेनिज़म्स बने, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स बने, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, फिर उन्हीं सेल से बताया जा रहा है इवोल्यूशन थियोरी में कि वो जो सिंगल सेल्स थे उन्हीं से इवोल्यूशन होके अमीबा बने होंगे, पैरामीशियम बने होंगे, फिर उन्हीं से इवॉल्व होके बनियन ट्रीज बने होंगे जो मल्टी सेलुलर प्लांट है। तो इवोल्यूशन थियोरी में ये बताया जा रहा है, जो आज जितने भी ऑर्गेनिज़म्स है वो फर्स्ट सेल से ही बने हैं, या फर्स्ट जो प्रिमिटिव सेल्स बने थे उन्हीं से ही सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स बने हैं। मतलब इन सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का जो एंसेस्टर है वो फर्स्ट सेल ही है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल है जो उस टाइम ओशन में बना था, और उन्हीं से जुड़ जुड़ के अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स, अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं। और जो सेल्स बने थे उनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते थे वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स है, उन्हीं से सेल बने थे। और आज हर सेल में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए भी कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में वो उसी सेल से बने होंगे, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। और इस इवोल्यूशन को कम से कम 300 करोड़ ईयर्स लगे होंगे एक सेल से, फर्स्ट सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स और मल्टी सेलुलर प्लांट्स बनने में, मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनिज़म्स बनने में कम से कम 300 करोड़ ईयर्स लगे होंगे। तो ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन से बताया गया कि सिंगल सेल कब बना था, ओशन में बना था, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ के बना था, और स्टार्टिंग में जो सेल्स बने थे उन्हीं से फिर अमीबा, पैरामीशियम ऐसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर उन्हीं से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने, बनियन ट्री या और दूसरे ह्यूमंस हो गए, या दूसरे प्लांट्स हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, ये सब उन्हीं सेल से बने हैं। फिर उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में फर्स्ट बताया जा रहा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें देख सकते हैं ऊपर की तरफ थ्री एनिमल्स बताए, डॉग, शीप एंड जैगुआर। इन सब में देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे पहले तो डॉग हो, शीप हो या जैगुआर हो, तो इनका फेस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट तीनों का फेस स्ट्रक्चर सेम है, फेस आगे की तरफ बाहर निकलते हुए आ रहा है, और इनके जो आइज़ की और जो ईयर्स की पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इनकी नोज़ की पोजीशन भी सेम है, इनके जो माउथ है उसके ऊपर है, जॉस के ऊपर नोज़ की पोजीशन है, और इनकी आइज़ की पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम है, और इनकी ईयर्स की पोजीशन भी सेम है, जिससे बस आप बोल सकते हैं हम ये इन तीनों का जो एंसेस्टर है वो सेम होगा, और इवोल्यूशन से ये तीन अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स बने हैं क्योंकि इनका फेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। नीचे की तरफ प्लांट का एग्जांपल लिया गया है, प्लांट में भी देखेंगे तो यहाँ पे लीव्स देख सकते हैं दोनों प्लांट की, मैंगो की, चीकू की लीव्स का शेप और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, इससे ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का जो एंसेस्टर है इन दोनों प्लांट्स का वो सेम होगा, इसलिए ये दो अलग अलग प्लांट्स बने हैं। फिर इवोल्यूशन हो गया, दो अलग प्लांट्स बने उस सेम एंसेस्टर से क्योंकि इनका लीव्स ऑलमोस्ट सेम है। और अगर फ्रूट्स में आप जानते होंगे तो स्टार्टिंग में हर फ्रूट जो है वो ग्रीन होता है, बाद में जाके पकने के बाद उनका कलर अलग होता है, तो उससे ये भी मालूम पड़ता है स्टार्टिंग में हर फ्रूट ग्रीन रहता है, इसका मतलब है उनका जो एंसेस्टर है वो सेम होगा। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। और नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें चार अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स के फोर विंग या हैंड या कैट्स फोर लेग या फ्लिपर ऑफ वेल, इसके बारे में बताया गया। ये चार अलग अलग ऑर्गेन्स है, चार अलग अलग ऑर्गेनिज़म के, ह्यूमन का देख सकते हैं हैंड लिया है, कैट का फोर लेग लिया है, बैट का जो है वो विंग लिया है, और वेल का फ्लिपर लिया है।
चारों अलग ऑर्गन है, चारों का काम भी अलग है, लेकिन इन चारों की जो बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो सिमिलर है, जो जॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो इनके जो जॉइंट्स है, ये वेल की यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे ये बैट्स की जॉइंट्स है, यहाँ पे ये कैट की फोर लेग की जॉइंट है, और यहाँ पे ह्यूमंस की जॉइंट है। जॉइंट्स की जो जॉइंट्स है चारों में, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लेकिन चारों में जो जॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो अलग है। तो जॉइंट सेम है तो इससे बोल सकते हैं हम कि चारों का जो एंसेस्टर है वो सेम होगा। तो ये था एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें बोन्स या जॉइंट्स चारों अलग अलग ऑर्गन्स की, चारों अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स में जॉइंट्स सिमिलर है, जिससे हम बोल सकते हैं कि इनका जो एंसेस्टर है वो सेम होगा, और इवोल्यूशन हो के चार अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स बने हैं। फिर नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो काम नहीं करता है। तो ह्यूमन्स की बात करेंगे तो कॉसिक्स बोन्स है, जिसको टेल बोन ही बोलते हैं, ये ह्यूमन से पाई जाती है, लेकिन इसका कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है, ये कॉसिक बोन है, ह्यूमन्स में इनका फंक्शन नहीं पता चला, इसलिए इनको बोल रहे हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये इनका फंक्शन है, ह्यूमन्स में फंक्शन लेस है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में इनका फंक्शन है। एग्जाम्पल अगर अपेंडिक्स की बात करेंगे हम, तो अपेंडिक्स काउ में फंक्शन करता है, लेकिन ह्यूमन में फंक्शन नहीं करता है। और टेल बोन मंकीज में, टेल बोन से टेल आती है, वो भी फंक्शन करती है। तो इसे बताया जा रहा है कि ह्यूमंस में अपेंडिक्स है वो काउ के अपेंडिक्स से मैच करता है, दोनों में अपेंडिक्स है, लेकिन ह्यूमन का अपेंडिक्स जो है वो फंक्शन लेस है, लेकिन काउ का फंक्शन वाला है। तो इससे दोनों का एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है। वैसे जो टेल बोन है, ह्यूमंस में जो टेल बोन है वो फंक्शन लेस है, लेकिन मंकीज में जो टेल बोन है वो फंक्शन करती है। तो इससे दोनों का एंसेस्टर सेम हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ तो हमारे में टेल बोन फंक्शन लेस हो गई इवोल्यूशन के बाद में। काउ में अपेंडिक्स फंक्शन करता था, इवोल्यूशन के बाद में अपेंडिक्स फंक्शन लेस हो गया, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। सेम यहाँ पे टीथ के बारे में बताया गया है, और ये ईयर मसल्स पिन्ना, ये भी ईयर मसल्स जो है वो डियर्स में और अदर और एनिमल्स में फंक्शन करते हैं, लोग दूर से ही किसी लायन टाइगर की लोग आर्ट सुन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉसिल्स किसको बोलते हैं, पहले तो कोई भी एनिमल ओशन में, कोई भी एनिमल अगर उसकी डेथ हो जाती है और ओशन में नीचे एकदम सरफेस पे जाके उसकी बॉडी बैठ जाती है, और उसके ऊपर कोई अगर हैवी स्टोन पड़ गया और कुछ हज़ारों या लाखों साल तक स्टोन पड़ा हुआ है, तो उस बॉडी के अंदर जो स्केलेटन था उसका पूरा छापा उस स्टोन पर आ जाता है। फिर जब हज़ार साल बाद या लाखों साल बाद स्टोन को देखेंगे, तो उस बॉडी के अंदर जो स्केलेटन था, जो ढांचा था, उसका निशान पूरा उस स्टोन पर आ जाता है, तो उस स्टोन को बोलते हैं फॉसिल। तो यहाँ पे फॉसिल में देखेंगे, यहाँ पे लेयर्स बने हुए, छः अलग अलग या पांच अलग अलग लेयर्स बने हुए, पांच अलग अलग लेयर्स बने हुए, जिसमें ये स्टोन के लेयर्स है। तो उसमें ये बताया जा रहा है जो सबसे नीचे जो लेयर है, सबसे नीचे का लेयर है, सबसे नीचे जो लेयर है उसमें स्टार फिश है और स्नेल दिख रहा है। अगर सबसे नीचे ये लेयर है तो उसका मतलब है जो स्टार फिश का जो फॉसिल है या स्नेल का जो फॉसिल है, वो फॉसिल सबसे स्टार्टिंग में बना होगा, सबसे स्टार्टिंग में बना होगा। उसका मतलब है ये जो फॉसिल है, इसमें जो स्टार फिश दिख रही है या स्नेल दिख रही है, इनका निशान पाया गया है। तो ये जो फॉसिल है सबसे स्टार्टिंग में बना होगा, तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो स्टार फिश और स्नेल है ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में से हैं, इसलिए उनका फॉसिल सबसे पहले बना है। सबसे पहले ये दुनिया में आए होंगे, दुनिया में बने होंगे, उसके बाद में ये सबसे पहले मरे होंगे, जिसकी वजह से इनका फॉसिल सबसे पहले बना है। तो सेकेंड नंबर पर आ रहा है फॉसिल्स फिशेस का, इसका मतलब है स्नेल और स्टार फिश के बाद जो ऑर्गेनिज्म आया वो फिशेस है, जो कि सेकेंड लेयर पे उन्हीं का फॉसिल पाया जाता है। थर्ड पे फ्रॉग देख सकते हैं, क्रोकोडाइल देख सकते हैं, फोर्थ पे स्नेक है, डायनासोर है, और फिफ्थ पे बर्ड और एक रैबिट का बताया गया है। तो इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है जो सबसे नीचे जो रहता है लेयर, वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का है, फिर उसके ऊपर और जिस पर टॉप पर है वो करंट या रिसेंट ऑर्गेनिज्म का है।
तो इस तरीके से लेयर्स पता है फॉसिल्स के, या तो हम फॉसिल्स दूसरे तरीके से भी पता लगा सकते हैं। हम दूसरा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिजम्स कब आया था, उसकी डेथ कब हुई। एक कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग से हम कार्बन की स्टडी करके पता कर सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई और कौन सा ऑर्गेनिज्म कब फॉर्म हुआ या कब वजूद में आया। तो ये थी थियोरी ऑफ फॉसिल्स या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो स्टडी ऑफ फॉसिल में यहाँ पे लेयर देके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया। जब सबसे नीचे अगर लेयर में उसका फॉसिल मिलेगा तो सबसे पहले आया होगा, अगर सबसे ऊपर वाले लेयर में उसका फॉसिल मिला होगा तो वो करंट है रिसेंटली का डेड बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिंग लिंक से। अस्सलामुअलैकुम।